दो छात्राओं ने गंग नहर में लगा दी छलांग, पुलिस रेस्क्यू में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रावस्ती तक न्यूज। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के निशुखा स्थित गंग नहर के गहरे पानी में दो छात्राओं ने छलांग लगा दिया। लोगों के मुताबिक कक्षा 10 व 11 की दो छात्राएं स्कूटी से घर लौट रही थीं, तभी गंग नहर पर स्कूटी रोकी और दोनों बालिकाएं सेल्फी लेने लगीं और अचानक ही नहर में छलांग लगा दिया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक एक लड़की का लुक लड़के जैसा था। प्रत्यक्षदर्शी के ने बताया कि सेल्फी लेते समय एक युवक ने दोनों को आगे बढ़ने के लिए बोला था। बताया गया कि इसके बाद दोनों छात्राओं ने गंग नहर में छलांग लगा दिया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों छात्राओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनका रो रोकर बुरा हाल है। छात्राओं ने गहरे पानी में छलांग क्यों लगाई, यह रहस्य बना हुआ है। अभी तक दोनों छात्राओं का सुराग नहीं लग सका है। जी मनीष। कौन से गांव के रहने वाले? गांव सेगली। कौन कौन लोग डूबे हैं, कितने लोग डूबे हैं? ये दो बच्ची थी, वो हमने कुछ डूबते हुए देखे। तो कैसे देखी आपने और क्या करने वो यहाँ आई थी और क्या? ये इतनी तो मुझे नहीं पता, हमारे दूसरे पुल के पास बैठी थी, मैंने वहाँ से भगा दिए बच्चे दंगा के, वो यहाँ के कूदे थे। अच्छा, कोई नाम पता है उनका? नहीं, मुझे नहीं पता जी। तो कोई सूचना आपने किसको दी? क्या सर, मैंने अपने एक दो दोस्तों के पास फ़ोन किया है जो आसपास के हैं, कि तुम्हारे गांव के बच्चे हैं, उन्होंने भी हमारे गांव के हैं, फिर अपना उन्होंने भी आ गए। ये अपना दवाई लेने के लिए जा रहा था दूसरे गांव, मैंने कूदते हुए देखे, फिर मैंने आके गुरुजी के पास फ़ोन करा, मुझे ऐसे ऐसा बात है बच्चे कूद गए। कौन से गाँव के रहने वाले? मैं यहीं का ही हूँ, निसरके का। एक लड़की जो 11th में पढ़े है रिया, वो भी निसरके की है। उसी के साथ की एक सहपाठी है खेड़ी की, दोनों आए हैं अभी पढ़ के। और यहाँ के पहले पहुँचे कि ये झाल पे पहुँचे, किसी ने बालक ने एक साथ के नहीं कहे कि जो भैया यहाँ क्यों बैठे हो। उनमें लड़की जो वो बिल्कुल लड़के की तरह लगे हैं, उन्होंने सोचे कि लड़की लड़का है, तो उन्होंने कहा भैया घर जाओ। उन्होंने कही ठीक है जा रहे हैं, उन्होंने उसका लड़की का वहीं एक फ़ोटो खींच लिया। वो जैसा आया वो स्प्रे कर रहा पास में ही, और यहाँ आके स्कूटी खड़ी करी और दोनों लड़की कूद गई नहर में। नहाने के लिए आई थी? नहीं, नहाने का ही है, तो स्कूल से पढ़ के आई हैं, स्कूल से पढ़ के आई हैं। उम्र मानो एक 15-16 साल की होएगी, बस दोनों की उम्र ऐसी होगी 15-16, 14-15। अच्छा, क्या क्या नाम है? एक का नाम रिया है जो यहीं की है, खेड़ी की, पता ना क्या नाम है पता है कुछ? मानसी। दोनों लड़की हैं। दो छात्राओं को डूबने का मामला सामने आया, आप मौके पर किस तरीके से वो डूबी हैं, कौन सी कक्षा की वो छात्रा हैं, क्या क्या उनका नाम है, क्या पूरा मामला? दो बालिकाएं हैं, नाम अभी हम नहीं बताएंगे, बट अनुबाल भारती स्कूल में पढ़ती हैं, बीबी नगर में। एक कक्षा 10वीं की है और एक जो है छात्रा 10th class की है, एक छात्रा 11th class की है। और इसमें दोनों ही बच्चियाँ पहले किसी और पुल पर बैठी थी, किसी और ने उसको रोका भी, उसके बाद ही वापस आकर नहर के पास दूसरे पुल पर आकर बैठी, जहाँ से किसी एक लड़की ने देखा भी उनको घूमते हुए, वो दोनों ही फिर पानी में। मैम, कितनी देर पहले की घटना है? अभी आधे घंटे पहले की बताई गई। पूरा पुलिस बल और जो है SDM भी यहाँ मौके पे हैं, इरिगेशन विभाग से बात करके पानी का जो प्रभाव है क्योंकि बहुत तेज़ है, जिसमें भी कोई ऐसे अचानक से क्योंकि उनको बचा नहीं सकता था। एक लड़की ने इसका प्रयास भी किया इनको बचाने का, पर क्योंकि उसमें वो सफल प्रयास नहीं हो पाया, बाहर आ गया। इरिगेशन विभाग से बात करके इसमें पानी का बहाव कम कराया जा रहा है। अनुच्छेद से ब्लड PAC अभी तत्काल मौके पर आने वाली है, और राजघाट से वहाँ से दूसरी जगह से ब्रजघाट से हम लोगों ने अपने राजघाट में भी हमारे पास रहते हैं गोताखोर रहते हैं, वहाँ से बुलाए गए हैं, और ब्रजघाट में भी गोताखोर हैं, वहाँ से भी संपर्क करके तत्काल उनको बुलाया जा रहा है मौके पे कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों को बरामद किया जा सके।